हेलो गाइस, पहले हमने जो है एक सीए का ऑफिस हमने पूरा इंटीरियर स्टार्ट किया था और उसका जो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा दोस्तों, तो मैं आई बटन के अंदर लिंक देता हूँ, वहाँ जाकर के आप पूरा ये जो ऑफिस है उसका रो फिनिश के अंदर आप देख सकते हो। अब ये ऑफिस सेकंड फेज में आ चुका है, मतलब कंप्लीशन की स्टेज में आ चुका है। आज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लाइटिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे चल रहा है, पूरा रिसेप्शन काउंटर है उसके ऊपर भी आपको सस्पेंडेड लाइट्स वगैरह आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे पूरी लाइटिंग का यहाँ वर्क चल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा जो है हमने एमडी कैबिन के अंदर यहाँ पे पूरी कोरियन का टेबल हमने बनाया है। उस टेबल को बनाने के अंदर हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे हमारे वेंडर ने उसको बनाया, क्या उसकी मेटल रहा और किस तरह से उसको यूज़ किया है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आऊँ साइट के ऊपर जब कोरियन का वर्क आपको कराना होता है तो उसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन सी ऐसी बातें होती है मटेरियल को लेकर के, फिटर को लेकर के और इंस्टॉलेशन को लेकर के, ऐसे कौन से जो प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है तभी जाकर के आपके कोरियन को लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। उसके डिज़ाइन के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है, जैसे आप देखते हैं कि ये जो पूरा एक एमडी कैबिन है उस एमडी कैबिन के ऊपर हमने इस टेबल के ऊपर जो मेन टेबल है उसके ऊपर हमने कोरियन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ से स्ट्रेट है और अंदर के साइड में इंक्लाइंड होता हुआ पूरा टेपर का डिज़ाइन हमने इसमें बनाया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए वेंडर को क्या करना पड़ा, कैसे उसने इस पूरी टेबल को इसको बनाया है, वो पूरी जानकारी जो है हमारे साथ वेंडर जुड़े हुए हैं मिस्टर चेतन कुमार, जिन्होंने इस पूरी टेबल को इसको बनाया है और ये क्या क्या डिटेलिंग है सारी डिटेलिंग आज हमें चेतन जी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चेतन जरा बताओ कि ये जो मटेरियल है क्या ये मटेरियल है और कैसे हमने इसको बनाया, इसको बनाने में आपको क्या इसमें तकलीफ आई है, क्या आपको बनाने में ये इजी रहा या थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी रही, सारा एक्सपीरियंस आपका जो हमारे साथ में आप शेयर करो। बिल्कुल सर, इसमें क्या होता है सर, पहले तो अपने यानी जो भी यानी जिस भी बेस पे आप लगा रहे हो अपने यानी कोई सा भी अपने यानी ये इसका लकड़ी का बेस है तो वो तो एकदम आपको यानी पूरा यानी पहले यानी पूरा चेक करना चाहिए वो अपने यानी बेस यानी सीधा है या कैसा है ना, ये वाटर प्रूफ होनी चाहिए। एक आती है लकड़ी अपने हाँ और एक यानी ये आती है वाटर प्रूफ। तो हमें क्या चीज जानना है, कोरियन में क्या होता है कि सर यानी वाटर प्रूफ यानी लकड़ी होना जरूरी है। अच्छा, नहीं तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि यानी वो लकड़ी फूलने के कारण से कोरियन में यानी वो प्रॉब्लम आती है, सिपेज वगैरह का ऐसा कुछ या फिर हाँ ठीक है वो बबल्स वगैरह क्रिएट इन्फ्लुएशन क्रिएट हो जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल सर, वो यानी कई जगह आती है तो वो यानी उसकी वजह से आती है। और ये भी हमने चीज देखी एक्सपीरियंस किया है कि कई जगह जो है आपकी कोरियन शीट है वो बीज के अंदर से उठ जाती है, तो उसके उठने के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास में जो नीचे प्लाई या फिर जो आपने प्लाई बोर्ड आपने यूज किया हुआ है अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है अपने पास में तो क्या होगा कि वो जब इसमें ग्लू वगैरह एडेसिव हम यूज करेंगे तो उसके जो है वो कंपैक्शन में आने के बाद में और उसके जो रिजल्ट है वहां से वो आपके टेबल के अंदर मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। तो हमें वाटरप्रूफ जो है प्लाई या बोर्ड उसको इसमें काम लेना है जैसा कि चेतन जी ने हमें बताया। बिल्कुल सर, और उसमें मेन चीज तो वो होती है कि अपने यानी वाटरप्रूफ प्लाई होनी चाहिए, अपने जो भी बेस है वो सीधा होना चाहिए। यानी मेन तो क्या होता है कि लकड़ी का बेस का पहले ध्यान करना चाहिए कि लकड़ी का बेस अपना कैसा बना हुआ है, क्या है सारी चीजें उनकी यानी उसकी सारी जानकारी लेके फिर उस पर अपने इसको यूज किया जा रहा है। यानी यूज किया जाता है। तो अब इसके अंदर जैसे ये कोरियन लगा हुआ है तो इसकी थिकनेस आपने कितनी इसमें यूज ली हुई है, इस पे अपने हाँ एक तो इसमें 6 mm आता है, एक अपने यानी 12 mm आता है, तो इस पे अपने यानी 6 mm यूज किया हुआ है, ये 6 mm कोरियन है अपना। तो गाइस आपको दिखाता हूँ कि ये जो कोरियन है जिसके अंदर यहाँ पे सेल्फ डिजाइन भी है, मतलब कि इसके अंदर कुछ क्वार्ट्स का आपको फील यहाँ देखने को मिलेगा और इसकी जो थिकनेस है 6 mm की इसकी थिकनेस है और इसको नीचे जो पूरा प्लाई का स्ट्रक्चर पहले बनाया हुआ है और उस प्लाई के स्ट्रक्चर के अंदर ही ये टेपर वगैरह सारे हमने पहले बनाए हुए हैं, उसके ऊपर इस कोरियन को यहाँ पे इसको पेस्ट किया गया है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे शीट का जो साइज है आपके पास में अगर 30 इंची का शीट साइज है तो हमें क्या करना है, पहले ही उसके अंदर मार्जिन हमें लेके चलना है कि आपका 6 mm की अगर थिकनेस हो गया तो दोनों साइड में अगर आप इसको रैप कर रहे हो तो हमें 1/2 inch का मार्जिन मिनिमम इसमें पहले कट करके चलना है, अदरवाइज आपको क्या होगा कि जॉइंट वगैरह इसके अंदर लगाना। इस फिटर है वो फिटर ही हमें बता सकता है कि इसके अंदर क्या हमें दिक्कत आ सकती है, क्या दिक्कत नहीं आ सकती, कैसे इसको बनाया गया है और क्या इसकी लाइफ है उसकी जानकारी जो है हमारे जो फिटर हैं अशोक जी, आप अशोक जी तो हमारे जो फिटर है जिन्होंने इस टेबल को पूरा बनाया है इसको एग्जीक्यूट पूरा किया है वो है अशोक जी। अब अशोक जी से हम जानेंगे कि इस टेबल को बनाने के अंदर जो है
क्या क्या चीज़ें इनमें काम मिली, क्या इसकी लाइफ है, कितने साल की इसकी लाइफ है, और अगर ये डैमेज हो जाती है, सपोज करो कि मैंने यहाँ से हीट कर दिया, इसको डैमेज हो गया, टूट गया, तो उसके बाद में क्या होगा, क्या इतना पैसा लगाने के बाद में क्या कोरियन हमारे लिए ठीक है, क्या ये वर्थफुल है, वो जानकारी अशोक जी हमें देंगे। अशोक जी जरा बताइए आप इसके बारे में। देखिए सर, जैसे कि अपना कोरियन यहाँ से डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज होने पे स्टोन हो गया, स्टोन को रख दो आप, स्टोन डैमेज हो गया तो अपने को स्टोन या ग्लास हटाना पड़ेगा राइट। कोरियन जो अपना लगा हुआ है तो डैमेज होने पे इसका सेम रिपेयर अपने पास पीस पड़ा हुआ है और केमिकल लेके इसको सेम रिपेयर करके वापस उसमें लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, बफिंग करके एकदम क्लियर सेम मिलेगा, मतलब हमें जॉइंट वगैरह कहीं पे कुछ में पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों देखो, एक सबसे बड़ी खासियत कोरियन की यही है, इसीलिए कोरियन को इसको ज्यादा यूज किया जाता है। आप देखो तो कमर्शियल स्पेस के अंदर भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे जो लग्जरी ऑफिस वगैरह है उनके अंदर भी कोरियन काफी यूज किया जाता है। उसको यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने एक बार पैसा लगाया तो आपकी स्किल सालों साल की लाइफ हमें देखने मिलेगी। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि अशोक जी, इसकी जो लाइफ है, अगर मैं बात करूँ तो कितने इयर्स की इसकी लाइफ है? सर, इसकी लाइफ लॉन्ग टाइम है, 50 इयर्स तो अपन एक लेके चल रहे हैं। बाकी इसका 2-5 साल में इसका अगर थोड़ा गंदा होता है तो बफिंग करवा सकते हैं, क्लियरिटी वही सेम निकल के आएगी। ओके ओके। और बट इसमें कोई भी जॉइंट इशू आता है तो जॉइंट इशू आने का कारण होता है या तो बुडन अपना हल्का होगा या फिर या उसके बुडन के नीचे कोई पानी गया हो या सीम का मात्रा है तो अपना बुडन एक्सपेंशन लेगा, उसको अब्सॉर्ब करेगा और एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो उसके कारण लकड़ी खुलेगी ये ऊपर के लिए डैमेज का ये इशू आता। तो दोस्तों इसलिए हमें इस पे क्या वाटरप्रूफ जो है, जो आपको प्लाई या बोर्ड उसको काम में लेना है, और इसकी जो है यूजेस करने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। एक बार आप लगाओ 10-15 साल तो बिल्कुल भूल जाओ आप। इसके अलावा कभी छोटे मोटे स्क्रेचेस हो जाते हैं तो आप इसकी वापस की बफिंग करवा सकते हैं, और बफिंग कराने के बाद में जो लुक अभी आप देख रहे हो एज इट इज लुक आपको वापस देखने को मिलेगा। सर, जिसमें इसमें कोई भी चीज अपनी चाय दाग अच्छा, कोई भी हो सकता है, उसके कारण ये नॉन पोर्ट मटेरियल होता है। ओके, अब्सॉर्ब नहीं करेगा ये। ओके ओके। तो एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर कोई भी चीज अगर सपोज करो मैंने इसमें ड्रॉप करके चाय गिर गई, कॉफी गिर गई, तो ये इसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो ये भी काफी अच्छी खासियत हो जाती है। उसको साफ करने के लिए जैसे कि अपना टिश्यू लिया, टिश्यू के अंदर थिनर लिया, थिनर से साफ किया, थिनर से नहीं होता है तो एक दफे बफ करा सकते हैं, बफिंग करा सकते हैं। तो बफ कराने के कारण एकदम क्लियरिटी वही पूरी सामने आ जाएगी। और प्लस पॉइंट इसका थर्माफॉर्मिंग मोल्डिंग का बेंडेबल सीट आती है अपने, इसके लिए कि कहीं पे भी बेंडेबल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, नॉन बेंडेबल की स्ट्रेंथ कम होती है, राइट। और बेंडेबल अपन मोल्डिंग जगह कहीं पे अपनी माइका नहीं घूम रही, लीनियर नहीं घूम रही, तो इस कोरियन को अपन उसी शेप में और सेम का सेम एक क्लियरिटी और फिनिशिंग के साथ में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट हमें निकल के आ रहा है सामने। बट दूसरा कि अपने जैसे कोई ऐसी डिजाइन, अजीब डिजाइन आती है और उसमें कोई मटेरियल काम नहीं कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे भी जो शेप है पूरा इस तरह से टर्न होता हुआ पूरा नीचे उतर रहा है, साइड से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तीनों सारे जो साइड्स हैं उसके ऊपर कोरियन ही हमने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे लैमिनेट माइका वगैरह लगाते हैं तो जो फिनिश यहाँ पे आ रही है वो फिनिश हमें नजर नहीं आती। आप देख रहे हैं जॉइंट फ्री पूरी डिटेलिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है, कहीं पे भी हमें यहाँ पे जॉइंट वगैरह नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए टेबल का जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ निकल करके सामने आ रहा है। माइका और बीनियर की शार्पनेस होती है, जबकि इसकी शार्पनेस नहीं है, कैसा भी इसको स्मूथ कर सकते हैं, कर सकते हैं, स्टोन को भी इतना नहीं कर सकते जितना इसका स्मूथ होता है, काफी ज्यादा ये। तो गाइस काफी अच्छा जो बेनिफिट और काफी अच्छी जानकारी जो है हमें अशोक जी ने हमें यहाँ बताई है, और हमारे जो वेंडर हैं दोनों चेतन जी और अशोक जी, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको काम में लिया है। दोस्तों अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इसकी कॉस्टिंग की, कि क्या इसकी कॉस्टिंग इसमें आने वाली है, मतलब कितने रुपए स्क्वायर फीट के आसपास हम एक टेंटेटिव कॉस्टिंग इसकी लेकर के चले। और करीबन इसकी 1,800 रुपए की 6 mm के समथिंग आती है व्हाइट को लेकर, व्हाइट को लेकर अगर अपन अदर कलर में जाते हैं तो उसका प्लस होता चला जाएगा इसमें 200-300 जैसा भी अपन कलर चूज करते हैं, मतलब इसमें 40 से ज्यादा कलर आते हैं। ओके, ग्रेनाइट सीरीज पूरी आती है इसमें, ऑनेक्स साइज आता है, ग्रेनाइट साइज आता है, अपन उसमें डार्क प्लेन कलर्स में जा सकते हैं, पर वो भी सारे कलर्स आते हैं। Okay. यानी कि मिला कुल मिला के वैसे तो 150 कलर बनते हैं, बाकी मैनुअल 50 या 55 के आसपास जो इसमें कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्रे है, डार्क है, ब्लू है, लाल, रेड है, ये सारे कलर्स मिल जाएंगे। और दूसरा अपने ऑनेक्स कलर आते हैं, ये सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर।
तो किसी भी तरह का डिजाइन हुआ आपके पास में, इवन अगर आप किचन काउंटर भी यूज करना चाहें तो किचन काउंटर के अंदर भी आप इसके सिंक वगैरह किसी तरह का भी शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने बेड को कोरियन में बनाना है दोस्तों, तो आप अपने बेड को भी पूरा कोरियन में बना सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी शेप हो उस शेप को आप जो है कोरियन के अंदर यूज कर सकते हैं। थिकनेस 6 mm से लेकर के 12 mm तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जैसी आपकी प्रॉपर्टी होगी, जिस तरह का फर्नीचर होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो मटेरियल चूज करना होगा, जैसा कि हमें अशोक जी ने यहाँ पे बताया। तो दोस्तों, अगर आपको अपने घर के अंदर कहीं भी कोरियन लगाना हो, तो अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल आर्क इंटीरियर्स पर रमेश साठीवाल के ऊपर अपना प्यार इस तरह बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।